क्या बीजेपी को चुनाव जिताने में मदद करेगी कांग्रेस की ये लड़ाई? क्या राजस्थान में कांग्रेस की गलती का फायदा बीजेपी को मिलेगा? क्या राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी के लिए जीत का रास्ता और आसान बना रही है? वसुंधरा राजे पर क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हैं सीएम अशोक गहलोत? राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इलेक्शन पर क्या इम्पैक्ट डालेगा? इन सब पर बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है स्वर्ण और आप देख रहे हैं अनकट। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। सचिन पायलट ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ अनशन पर जाने का फैसला लिया है। हालांकि कांग्रेस पार्टी के कई नेता इसे पार्टी के खिलाफ जाना कह रहे हैं। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने तो ये भी कह दिया कि कांग्रेस करप्शन के खिलाफ काम कर रही है, लेकिन पायलट को ये कदम उठाने से पहले पार्टी को बताना चाहिए था। वहीं आम आदमी पार्टी ने तो सचिन पायलट का समर्थन किया है। राजस्थान प्रभारी विनय मिश्रा ने ट्वीट करके लिखा कि सबसे भ्रष्ट और निकम्मी सरकार राजस्थान की कांग्रेस सरकार है। इतनी भ्रष्ट है कि इनके अपने ही सरकार के एक बेहद ही पढ़ा लिखा युवा नेता सचिन पायलट आज भ्रष्टाचार के खिलाफ अनशन पर बैठे हैं। सोचिए, उनकी ही सरकार ने उन्हें कितना मजबूर कर दिया है जिससे कि वो अनशन पर बैठे। अब राजस्थान को विकल्प चाहिए। तो आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के इस कॉन्फ्लिक्ट को अपनी तरफ लेते हुए कहा कि अब राजस्थान को और ऑप्शन टटोलने की जरूरत है। कांग्रेस के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का फायदा अब कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बाकी की सभी पार्टियों पर हो रहा है। बात सचिन पायलट की करें तो 2020 से ही सचिन पायलट जो है वो अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ सामने आने लगे थे। बीजेपी स्पेशली वसुंधरा राजे ने सचिन पायलट के पॉलिटिकल करियर पर काफी ज्यादा इम्पैक्ट डाला है। 2002 में पॉलिटिक्स में आए सचिन पायलट पहली बार वसुंधरा राजे के खिलाफ प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो इससे पहले भी कई बार वसुंधरा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर चुके हैं। 2014 में जब पायलट अजमेर से हार गए थे, इस बीच कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान की जिम्मेदारी पायलट को सौंपी थी। उस टाइम पायलट ने वसुंधरा सरकार के खिलाफ जमकर बोला था और प्रदर्शन किया था, जिसका फायदा कांग्रेस को 2018 के विधानसभा चुनाव में प्रत्यक्ष तौर पर मिला। तो पास्ट में वसुंधरा राजे के खिलाफ प्रदर्शन से कांग्रेस को अच्छा खासा फायदा मिला है। इस बार भी सचिन पायलट वसुंधरा सरकार के टाइम पर हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है वो आवाज उठा रहे हैं। बस अंतर इतना है कि इस बार वो कांग्रेस के खिलाफ जाकर ऐसा कर रहे हैं, जिससे कि कांग्रेस पार्टी जो है वो उनसे काफी ज्यादा नाराज है। हालांकि अभी तक इस मामले में सीएम अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे दोनों का ही कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। इस साल राजस्थान में चुनाव होने हैं, तो सवाल ये आता है कि क्या आगे आने वाले इलेक्शन में कांग्रेस का ये कदम बीजेपी को जीत दिलवा पाएगा? क्योंकि अगर कांग्रेस वसुंधरा राजे के सरकार में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ सॉलिड कदम नहीं उठाती है तो जनता पर जो इसका संदेश जाएगा वो कुछ अच्छा नहीं जाएगा। वहीं अगर हम सचिन पायलट की बात करें तो सचिन पायलट भी कांग्रेस के खिलाफ खड़े दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों ही सिचुएशन कांग्रेस पार्टी पर भारी पड़ रही है। तो बीजेपी ऐसे टाइम का जरूर फायदा उठाएगी। कांग्रेस अपने कलेश में लगी हुई है। जिस टाइम पर पार्टी को राजस्थान में ध्यान देना चाहिए, ऐसे टाइम में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो चरम पर है। बीजेपी नेता सतीश पूनिया ने तो ये भी कहा है कि पूरा मामला जो है वो कुर्सी का है और जनता को इससे कुछ नहीं मिलेगा। बीजेपी का कहना है कि भ्रष्टाचार तो बस एक बहाना है, पायलट अपनी सरकार के खिलाफ विरोध जताना चाह रहे थे। अब ये कितना सही और कितना गलत है ये तो आगे आने वाला टाइम ही बताएगा। राजस्थान की राजनीति किस दिशा में जाती है और जो हो रहा है उससे किसको फायदा और किसको नुकसान होगा ये भी आगे आने वाले टाइम में ही पता चल पाएगा। खैर, जो भी होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। जुड़े रहिए अनकट के साथ। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अनकट को।